हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक पेपर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग जो एग्ज़ाम में आया था। ये बिज़नेस स्टडीज़ क्लास 12th का पेपर डिस्कशन का वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद हमें आइडिया ये लग जाएगा कि कितने परसेंट क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, कितने परसेंट क्वेश्चंस केस स्टडीज़ बेस्ड होते हैं, कितने क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं जिससे हमारा एक एग्ज़ाम फोबिया ख़त्म होगा, और कितने परसेंटेज क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, राइट। तो इस पेपर डिस्कशन का मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक सिंप्लिसिटी देना ताकि आपको एग्ज़ाम फोबिया ना हो, और दूसरा पर्पस ये कि मैं आपको केस स्टडी से ये बताऊँगा कि देखो कितना सिंपल होता है केस स्टडी सॉल्व करना अगर हमें चैप्टर का कंटेंट याद हो। हालांकि इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको आंसर डिस्कस नहीं करूंगा साथ साथ उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बट मैं आपको इतने हिंट देता चला जाऊंगा कि आपको पेपर आसान लगेगा। फिर उसके बाद आप इस वीडियो को पॉज करके इस केस स्टडी को ध्यान से पढ़ के उसको आप आंसर सॉल्व भी कर सकते हो और आप डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, राइट। तो ये पर्पस था एक छोटा सा इस वीडियो को बनाने का। अब डिस्कस करते हैं, चलिए पेपर क्या रहा ओवरऑल इस एग्ज़ाम में। तो स्टार्टिंग करें अगर हमारे पास 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस की, तो देखो हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चंस आए हैं, जैसे एफिशिएंसी क्या होती है वो पूछा जा रहा है। चैप्टर 1 में हमारे पास था एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस, इजी ही मानेंगे इसको। उसके बाद छोटा सा क्वेश्चन दूसरा पूछा है फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है, उसका बेसिस बताना है आपको नेचर बेसिस पे। अब इस पर ध्यान से बताने वाली बात मुझे ये लगती है आपके लिए कि अब इसमें पर्टिकुलरली उसने पॉइंट पूछा है आपसे कि आपको क्या चीज़ बतानी है, तो उसने बोला नेचर के हिसाब से ही आपको इसमें पॉइंट जो है आइडेंटिफिकेशन करना है। किसके बेसिस पे? नेचर के बेसिस पे। तो आप बाकी कोई और डिफरेंस यहाँ नहीं लिखना, राइट। नेचर के बेसिस पे बोल रहा है तो आपको नेचर ही लिखना है, क्लियर। चलिए उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डज ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई एस्टीम नीड्स। अब याद करो आप मास्लो की नीड्स थी, राइट। मास्लो की नीड थी बेसिक सेफ्टी, सोशल एस्टीम, सेल्फ एक्चुलाइजेशन। तो उसके अंदर उसने एस्टीम पूछा, कोई अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन मुश्किल नहीं आया। पीपल थिंक दैट प्रोडक्ट ओनली दैट कैन बी मार्केटेड बट समथिंग एल्स दैट कैन बी मार्केटेड विजन केरला हेल्थ टूरिज्म आइडेंटिफाई द बींग मार्केटेड व्हाट इज़ बींग मार्केटेड हेयर, राइट। दोबारा अभी यहाँ पे देखना, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि आपको यहाँ पे क्या लगता है किस चीज़ की मार्केटिंग करी जा रही है, क्या चीज़ आपको बेचने के लिए कहा जा रहा है, ये भी आप कर सकते हैं। मैंने कहा इस वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलर आंसर नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एक लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि आप शॉर्ट वीडियो बना के कैप्सूल तरीके से आपको मोटिवेट किया जाए। लॉन्ग वीडियोज़ में मुझे नहीं लगता कि आप उसको पूरा टाइम देखेंगे, डेडिकेटली देंगे, बस पर्पस सॉल्व होना चाहिए, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गिव द मीनिंग ऑफ प्राइस, ये तो बहुत आसान है, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, या फिर दूसरा पूछ रहा है पब्लिक रिलेशन समझा दो, ये भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। फिर हमारे पास छोटी सी केस स्टडी आ गई, तो केस स्टडी का मैंने आपको याद कीजिए मैंने एक वीडियो बनाया, आपको समझाया भी है केस स्टडी सॉल्व कैसे करनी है। मैंने कहा है केस स्टडी छोटी हो या बड़ी हो, पहले आप उसकी हमेशा क्या करो, उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या कहती है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या कहती है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे, राइट। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन दैट अलाउ न्यून बैंक टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय न्यून कंपनी। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें एक क्वेश्चन क्या है डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर, डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर कौन चैप्टर था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर, मैंने केस स्टडी में समझाया आपको। पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर केस स्टडी पढ़िए, फिर क्वेश्चन को लिंक कीजिए, फिर टॉपिक पता लगाइए किस चैप्टर का है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर है जिसमें कौन सा टॉपिक है डिविडेंड डिसीजन, राइट, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर से छोटी सी केस स्टडी नहीं बोलेंगे इसको हम, स्टेट द सीमेंटिक बैरियर टू इफेक्टिव कंपटीशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी दिया हो बट आपको जरूरत भी नहीं है उसको पढ़ने की, क्या सीमेंटिक बैरियर को डिफाइन कर देना है, आपको बता देना है कौन सा सीमेंटिक बैरियर इसमें लग रहा है। अब आप याद करो सीमेंटिक बैरियर में क्या था, याद करो ग्रामर, ओ कोडिंग, डिकोडिंग, राइट, इन सब की अगर एरर होती है तो सीमेंटिक बैरियर के अंदर जाता है। उसके बाद फिर से हमारे पास क्वेश्चन है एक और, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्लान पूछ रहा है, मतलब एक प्लानिंग चैप्टर है जिसमें हमने पढ़ा था क्या ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, रूल्स, मेथड, स्ट्रेटजी, राइट, ऑल दीज थिंग्स वर टाइप्स ऑफ प्लान। तो आपको ये चीज़ पढ़ के आपको बताना है कौन सा उसमें प्लान लगा। अब देखिए अगर मैं हर क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करूँगा आपसे तो इसका मतलब वो लॉन्ग वीडियो तो बनेगी बनेगी, प्लस मैं आपको सीधा सैल्यूट एक आंसर दे रहा हूँ। तो आप कोशिश करो जो क्वेश्चन मैंने आपको हिंट बता के छोड़ा वीडियो वहाँ तुरंत पॉज करो और उसका आंसर खुद से सोचो, और खुद जो आप सोचोगे बेटर ही होगा आंसर, राइट। और ये क्वेश्चन पेपर वैसे आप देख भी सकते हैं कौन से ईयर का, आई थिंक लास्ट ईयर का ही पेपर है 2019 का, राइट। चलिए
उसके बाद अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 3 मार्क्स क्वेश्चन पे आते हैं। अभी इजी लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको मैंने बोला हो कि हाँ एक अच्छा क्वेश्चन है, लेवल ऑफ क्वेश्चन। अभी तक सिंपल क्वेश्चन चलते जा रहे हैं। 9th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फीचर्स ऑफ डायरेक्ट, इसने पूछ लिया 3 फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन, राइट। उसके चॉइस में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है स्टेट एनी 3 मेजर्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है डायरेक्टिंग का, इम्प्रूव बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। अब हमारे पास केस स्टडी आती है, केस स्टडी फिर से वही बात, पूरा क्वेश्चन ना पढ़ने के लिए मैं सीधा कहाँ से पढ़ूंगा, आइडेंटिफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ रोस्टेड कॉफी कॉर्पोरेशन, ऑल्सो स्टेट 3 एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। बहुत आसान क्वेश्चन है, अब आप याद कीजिए कितने स्ट्रक्चर थे, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फंक्शनल, डिविजनल, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, डिविजनल, एक प्रोडक्ट, मल्टीपल काम, तो क्या हो जाएगा फंक्शनल, राइट। अब इसको हिंट मैंने आपको दे दी, क्वेश्चन पढ़ो आप, ये तो आंसर इसका फंक्शनल है या डिविजनल है, राइट। कोई भी अभी हार्डेस्ट क्वेश्चन नहीं आया, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। कैपिटल बस्टिंग, बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं, कैपिटल बस्टिंग इज वॉट, इज अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैंने बताया था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बस्टिंग, राइट। अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, सिर्फ कंटेंट अगर आपको याद है बिजनेस स्टडीज़ का, टीचर की क्लास आपने एक बढ़िया तरीके से अटेंड की है, तो पेपर बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, इट इज़ वेरी स्कोरिंग पेपर। एक्सप्लेन 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, कौन सा चैप्टर है बताइए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक हिडन टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग, हम हमेशा स्किप करते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट लगाया 2020 एग्जाम के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग के 2 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तुरंत वीडियो पॉज करके इसका आंसर देखो अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो, राइट। फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन, हमेशा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में है ये, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है 3 बेसिस पे। अब देखो ध्यान से, 3 बेसिस बोला है और क्वेश्चन में वेटेज भी 3 ही मार्क्स की है, तो आपको उतने ही आंसर, उतने हिसाब से आंसर देना है, राइट। केस स्टडी पे आते हैं, फिर से केस स्टडी आ गई, फिर से देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए ये इसकी रिक्वायरमेंट, स्टेट से पढ़ते हैं, स्टेट विद रीजन वेदर द फैक्टर एज आइडेंटिफाइड अबव विल रिजल्ट इन हाई और लो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन ही बोलूंगा मैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चैप्टर हमारे पास टॉपिक है वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स हैं, उसमें हम ये डिसाइड करते हैं वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखनी है कम रखनी है, तो उसके लिए कई सारे फैक्टर्स हैं, उसको आप तुरंत देखिए कॉपी या जो भी रिस्पेक्टिव आपके पास बुक्स हैं, मेरे नोट्स से उसको देख सकते हैं आप। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल में कौन सा फैक्टर इस केस स्टडी में लगा है वो आपको सॉल्व करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बड़ी केस स्टडी आ गई है, बट मैं इससे बिल्कुल नहीं डरता, ना आपको डरने दूंगा, सीधा आप क्वेश्चन पे आइए, इसकी रिक्वायरमेंट पे आइए। क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन एनी 2 प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट बीइंग फॉलोड बाय किंसाल रिटेल। वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी क्वेश्चन, 4 मार्क्स का है। फ्योल के 14 प्रिंसिपल थे, से यस यस, 14 प्रिंसिपल में इस कंपनी में कौन से 2 प्रिंसिपल फॉलो किए गए हैं, बींग फॉलोड, बी केयरफुल। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कौन से यहाँ पे प्रिंसिपल का वॉलेशन हुआ है, इसमें पूछ रहा है कौन से फॉलो हुए, तो आपको उस तरीके से आंसर देना है, राइट। कर लेंगे आप, 14 प्रिंसिपल रिवाइज भी हो जाएगा, या फिर वीडियो यहीं पे पॉज करके आप क्या करो, 14 प्रिंसिपल में जल्दी से देखो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे लगा, राइट। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास फिर से, एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, वेरी इजी, फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर, राइट। एक्सप्लेन एनी 4 मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इश्यूज, का कोड मैंने बताया था, बोलो क्या कोड है, रोप, रोप, मेथड ऑफ फ्लोटेशन, जब कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं तो किस तरीके से वो शेयर इशू करती है, कौन सा चैप्टर है बताइए, फाइनेंशियल मार्केट, राइट। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस स्टडी, केस स्टडी 4 मार्क्स, क्या क्वेश्चन है, पहला आइडेंटिफाई मार्केटिंग फिलॉसफी, वेरी गुड क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट फॉर 2020 एग्जाम ऑल्सो। फिलॉसफी मैंने क्या बताई, लास्ट वीडियो भी इसी का डाला हुआ है, फिलॉसफी का 5 फिलॉसफी हमारे पास होती है, बताइए कौन सी, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, बताइए प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग और सोसाइटल, और एक होती है मार्केटिंग, उन 5 में से इस केस स्टडी, इस क्वेश्चन में कौन सी केस फिलॉसफी फॉलो किया जा रहा है, कौन सी केस स्टडी यहाँ पे आपको लगती है फिलॉसफी, राइट। आइडेंटिफाई द टूल्स ऑफ प्रमोशन यूज बाय, आप क्वेश्चन ने अलग टॉपिक को पकड़ लिया, चैप्टर इज सेम बट अब प्रमोशन पे आ गया, वो टूल कौन सा प्रमोशन टूल यूज हुआ है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन, ये बताना है आपको। 4 हायरिंग ऑफ अ सेल मैन, स्टेट 2 क्वालिटीज ऑफ अ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जब आप सेल्स मैन रखते हो पर्सनल सेलिंग के लिए उसमें क्या 2 क्वालिटीज देखते हो, ये तो आप बिना पढ़े भी आंसर दे सकते हैं, मैंने समझाया, क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर या क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्समैन, ये कॉमन पॉइंट्स है, उसके अंदर क्या होने चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, उसके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए, राइट। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया,
वट इज़ मीन बाय ब्रांडिंग स्टेट, एनी थ्री एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर है। वट इज़ मीन बाय पैकेजिंग स्टेट, थ्री फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। क्लियर? इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही हैं, प्लस आने के बाद बीच बीच में केस स्टडी दे के वो हमारा सिर्फ माइंड डाइवर्ट करना चाहता है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी और कुछ नहीं है। हमें सिर्फ कंटेंट स्ट्रॉन्ग रखने हैं, केस स्टडी आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, हमें बस रिकॉल करके उसका आंसर देना है। राइट, अब नेक्स्ट केस स्टडी पे देखो आप क्या कह रहा है। ये थोड़ी सी बड़ी केस स्टडी लग रही है मुझे, देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। केस स्टडी बड़ी है बट कोई बात नहीं, वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले रिक्वायरमेंट देखेंगे इसकी। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यूज बाय द कंपनी। भले केस स्टडी बड़ी है बट सीधा स्टाफिंग चैप्टर का है, हमें हिंट मिल गई। रिक्रूटमेंट में हमारे पास दो सोर्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, उसमें भी कौन सा सोर्स है बताइए? एक्सटर्नल हम लिख देंगे। बहुत सारे सोर्स हमारे पास, कैंपस, एडवर्टीजमेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कैजुअल कॉलेज, में कौन से यहाँ पे फैक्टर्स लगे हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल सोर्स लगे हैं, ये आपको बताना है। दूसरा, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यूज बाय द कंपनी टू ट्रेन एम्प्लॉई सेलेक्टेड फॉर सेलेक्टेड द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। वेरी इजी, यहाँ पे भी बताइए। ट्रेनिंग के दो मेथड्स हैं, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब में भी बहुत सारे, ऑफ द जॉब में भी अंदर हमने पढ़ा था, बताइए। इंटर्नशिप पढ़ा था, अप्रेंटिसशिप पढ़ा था, राइट, केस स्टडी पढ़ा था, कंप्यूटर मॉडलिंग पढ़ा था हमने, वेस्टिबल ट्रेनिंग पढ़ा था। तो यहाँ पे कंपनी किस मेथड ट्रेनिंग दे रही है वो आपको बताना है। राइट, स्टेट एनी टू वेज इन विच प्रोजेक्ट गाइडेंस प्रोग्राम कैन बी बेनिफिटेड। हाँ, ये थोड़ा सा आप क्वेश्चन अच्छा हो गया, यानी यहाँ पे एक जैसे बोले कि यहाँ पे एक बच्चा अगर उसको चैप्टर में कमांड होगी तभी इसका आंसर लिख पाएगा। क्या पूछ रहा है? स्टेट एनी टू वेज इन विच प्रोजेक्ट गाइडेंस प्रोग्राम कैन बेनिफिट, यानी आपको एक आंसर बताना है किस तरीके जो प्रोजेक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है उससे क्या एडवांटेज हो रहे हैं, उसे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा। राइट, तो ये तभी आप लिख पाएंगे जब आपको केस स्टडी समझ में आई, प्लस आपको इस चैप्टर में कमांड है। राइट, ये मुझे एक थर्ड पार्टी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन लगा। तो ये केस स्टडी मैं बोल सकता हूँ अच्छी है, प्लस शायद ये बच्चों से स्किप हो जाए, बट मैं नहीं चाहता ये आपसे स्किप हो, अच्छा आंसर दे सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदित्य कोसला कंपनी वाला क्वेश्चन आ गया। तो पहले इसकी रिक्वायरमेंट है, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट शुड द कंपनी बाय। अब याद करो आप, इंस्ट्रूमेंट किस में था, इंस्ट्रूमेंट का मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर याद आ गया आपको। व्हाई इज कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेड टू गिव अ बेटर रिटर्न इन अ बाय एंड कंपनी शेयर। ये एक एवरेज क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर सोच समझ के देना पड़ेगा, इसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। कैपिटल मार्केट क्यों एक बेटर रिटर्न का एक वे मानी जाती है कंपनियों के लिए, तो ये आपको देना पड़ेगा। क्योंकि कैपिटल मार्केट में हम अगर डिफरेंस पढ़ें कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में, तो थोड़ा सा सिक्योर है, इसमें रिटर्न ज़्यादा होती है, इसमें हमारा कैपिटल आउटले कम होता है। दो तीन आप इसके एडवांटेज बताएंगे, फीचर्स बताएंगे, तो उसका आंसर भी आपका सेटिस्फैक्ट्री होगा। वाई एंड हाउ सेफ आर द सिक्योरिटीज़ इन दिस मार्केट एज कम्पेयर टू द मनी मार्केट। अब आपको सेफ्टी और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देना है कि क्यों कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कंपेरिजन में क्या हैं, सेफ है। बस सेम, आप कुछ नहीं, इस पूरे चैप्टर, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप मनी मार्केट कैपिटल मार्केट डिफरेंस पढ़ लो। राइट, और इंस्ट्रूमेंट एक बार आप देख लो, वीडियो पॉज करके आपको इसका पूरा आंसर मिल जाएगा। राइट, चलते हैं आगे। 20th क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। ये भी एक केस स्टडी है बड़ी सी, बट हमें बड़ी केस स्टडी से बिल्कुल भी रिलेटेड ना, जैसे कि मैंने आपको समझाया। स्टेट द टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये हमारे पास केस स्टडी है, सुमन से स्टार्ट हो रही है। हमारी पहली रिक्वायरमेंट है, सुमन स्टेट एनी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी विच हैव बीन डिस्चार्ज बाय सुमन बिसाइड आस्किंग फॉर अ कैश मेमो। मुझे ये लगता है कैश मेमो की बात बताओ, कहाँ थी कैश मेमो, इनवॉइस, यस यस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब ये पूछ रहा है, सीधा क्वेश्चन है, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने पढ़ी, जिसमें से एक क्या है, कैश मेमो मांगना, उसके अलावा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। बिसाइड्स बोल रहा है वो, कैश मेमो के अलावा इस केस स्टडी को पढ़ने के बाद उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वो तो आप बिना केस स्टडी पढ़े भी लिख सकते हो, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कस्टमर का आपको पता है। राइट, एक्सप्लेन द टू राइट्स बींग डिस्कस इन द अबव केसेस। अब दो राइट्स आपको यहाँ लिखने, एक्सप्लेन टू राइट्स बींग डिस्कस, यानी अब आपको एक केस स्टडी पढ़ के ही दो राइट्स बताने हैं जो उसने एक्सरसाइज किए हैं सुमन ने। राइट, ऑल गुड। 21st क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, वेरी इजी, एंड एक्सप्लेन एनी 5 points विच हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर फर्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, बहुत आसान, 5 marks full,
राइट 22nd क्वेश्चन पे आते हैं। केस स्टडी है, बड़ी है बट नॉट टू बदर। आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल, वेरी इजी। तीन लीडरशिप टाइल मैंने पढ़ाई थी आपको, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजर्स फेयर। इसमें से आपको कौन सी स्टाइल है वो केस स्टडी पढ़ के पता चल जाएगा। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द अदर टू लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन द यूज ऑफ अथॉरिटी। राइट, आप देखिए यहाँ पे इसने स्पेशली क्या बोला है, यूज़ द डायग्राम। मैंने बोला भी है लीडरशिप स्टाइल के क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना के ही आना है, तैयारी करके ही जानी है। राइट, तो जो आपने ऊपर आइडेंटिफाई किया है उसके अलावा जो दो बच जाती हैं वो आपको एक्सप्लेन कर देनी है। दैट इज 5 मार्क्स क्वेश्चन। क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। ये केस स्टडी थोड़ा सा बड़ी है और क्वेश्चन भी ढूंढना पड़ेगा अंदर। चलिए ये रहा क्वेश्चन यहाँ से। The above paragraph discuss some of the step of one of the function of management by quoting the line from the above paragraph. Explain these step in chronological order. Rest. ये आपको पढ़ के पता लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। अब ये क्वेश्चन है प्रोसेस का, ये क्वेश्चन है प्रोसेस का। तो आप एक बार रिकॉल करो कितने प्रोसेस हमने पढ़े थे पूरे बिजनेस स्टडी में। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड पार्ट में तो प्रोसेस है नहीं। हमारे पास प्रोसेस शुरू होते हैं कहाँ से? प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, राइट, स्टाफिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो इन्हीं में से कोई एक चैप्टर का प्रोसेस इस चैप्टर इस केस स्टडी में हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैंने केस स्टडी नहीं पढ़ी है, आप पढ़ेंगे तो या तो ये प्लानिंग प्रोसेस होगा या कंट्रोलिंग प्रोसेस होगा। वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ केस स्टडी कहाँ कौन सी लाइन पिक करनी है मुझे पहले, जिससे क्वेश्चन ईजी हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24th पे आ गए हम लोग। राइट, ये एक केस स्टडी बड़ी जरूरी थी लेकिन बहुत आसान है। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन कंट्रोलिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिफाइन कंट्रोलिंग, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है। कंट्रोलिंग का पूरा चैप्टर 6 मार्क्स में आपको कवर हो गया, प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप। राइट, इसी में चॉइस में है एक्सप्लेन वेरियस स्टेप इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ये पूरा कंट्रोलिंग, यानी पिछली केस स्टडी भी आई थिंक कंट्रोलिंग का ही होगा और ये भी होगा कंट्रोलिंग प्रोसेस हो गया। राइट, ये भी 6 मार्क आपके कवर हो गए। 25th क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो ये है कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव पैराग्राफ एक्सप्लेन 4 डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वेरी इजी। डायमेंशंस कौन सेप्टर में था? बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट डायमेंशन कितने थे बताओ? इसका मैंने कोड क्या बताया था? पेस्टल। क्या था? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। राइट, अब इसमें से कौन से डायमेंशन लगे हैं आपको डायमेंशन बताने और वो लाइन भी कोट करनी। तो इसमें ध्यान ये रखना है, अभी देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें एक डायमेंशन नहीं, प्रोबेबली एक से ज़्यादा डायमेंशन लगे होंगे। तो उस डायमेंशन की आप लाइन कोड करो, उस डायमेंशन को समझाओ, एक दो एग्जांपल और दो, ठीक है, जो हमने पढ़ा था क्लास में। इस तरीके से ये हमारा एक पेपर हो गया। राइट, तो 25 क्वेश्चन हमने बहुत जल्दी इस वीडियो में कवर अप कर लिए। ये वीडियो अभी 20 मिनट तक भी नहीं गई है, लेकिन इस पूरी वीडियो से मैंने क्या सीखा? केस स्टडी करना प्लस क्वेश्चन का आंसर देना किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ आपकी कंटेंट स्टडी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू अ रफ आइडिया हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन पेपर, हाउ टू मेक अ कमांड ऑन दिस सब्जेक्ट। राइट, स्टिल कोई डाउट आता है इस क्वेश्चन के, इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में या केस स्टडी में जिसको आप आंसर कन्फर्म करना चाहते हैं, हालांकि ये CBSE का ही 2019 का पेपर है, स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी और कमेंट। राइट, होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। Share it with your friends who are appearing in June 2020 examination. Have a happy stay at home. Thank you.